सभी प्यारे मेरे भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार कहता हूँ। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को मेरी आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही है। हालेलुया। सर्वप्रथम हालेलुया। मैं हमारे महान परमेश्वर जो ओजस्वी है, प्रतापी है, राजाधिराज है, जिसने आपको और मुझे अपने ही समानता और स्वरूप में रचा, जो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, स्वर्ग जिसका सिंहासन और पृथ्वी जिसकी चरणों की चौकी है, ऐसे महान परमेश्वर को मैं शत शत नमन करता हूँ। और इस जूम मीटिंग के द्वारा जुड़े हुए हमारे सारे भाई बहनों को मैं तहे दिल से इस मीटिंग में स्वागत करता हूँ। विशेषकर हमारे पास्टर जी, जो पास्टर सनी और उनके परिवार के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि जब वो राजस्थान में चुरू और उस एरिया में जब सेवकाई कर रहे हैं, परमेश्वर उनको बहुतायत से आशीष देने पाए और परमेश्वर उनको परिवार के तौर पर वहां वहां पर रखा है और आगे भी अगुवाई करने पाए। बाकी के जितने लोग जुड़े हुए हैं, मैं शायद सबको नाम से नहीं जानता, लेकिन आप लोगों को मैं प्रभु में मैं आशा करता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। और मैं राजस्थान के लिए जब मैं प्रार्थना करता हूँ, तो मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आप लोगों को संभाले हुए, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम लोग वचन में प्रवेश करेंगे। उसके पहले मैं कुछ बातों को आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम लोग आजकल बहुत सारा प्रचार सुन रहे हैं और इस बात को समझ रहे हैं कि ये अंत का समय है, और इस तरह ये अंत का समय है, इस तरह परमेश्वर अपने बड़े बड़े काम हमारे बीच में कर रहा है। इन बातों को हम समझेंगे। तो मेरे प्रियो, आज का जो मेरा प्रचार का विषय होगा वो होगा युग। आप लोग सब जानते हैं कि अलग अलग तरीके का प्रचार हमारे मध्य में किया जाता है। कुछ प्रचार को जो हम लोग विषयवत तरीके का प्रचार करते हैं, कहते हैं टॉपिकल सर्मन्स, यानी किसी एक टॉपिक पे लेकर के प्रचार किया जाता है। कई अलग दूसरे भी प्रचार हैं, उसको हम लोग एक सब्जेक्ट होता है होमिलिटिक्स करके, उस सब्जेक्ट में हम लोग इस प्रचार के कैसे कैसे प्रचार के तरीके होते हैं इसे हम सीखते हैं। तो उसमें से एक जो प्रचार है वो है टॉपिक, किसी एक टॉपिक पर यानी किसी एक विषय पर आधारित हम प्रचार करें। तो मैं आज आपके बीच में एक विषय आधारित प्रचार करना चाहता हूँ। दूसरे भी कई होते हैं, जैसे भक्ति का प्रचार यानी डिवोशनल प्रचार होता है, या आप लोग एक्सपोजिटरी प्रचार बोलते हैं, जिसमें हम लोग कोई एक पैसेज लेकर के उसको हम लोग एक्सपोज करते हैं और उसका प्रचार करते हैं, या कई बार हम लोग एलिगोरिकल प्रचार उसको हम लोग कहते हैं, जैसे कि विषय को हम लोग किसी के साथ तुलनात्मक प्रचार, उसे हिंदी में कहते हैं, किसी की तुलना कर करके हम लोग प्रचार करते हैं। अलग अलग प्रकार के प्रचार होते हैं और आप लोग सब इस प्रकार के प्रचारों को सुन रहे हैं, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज हमारा जो विषय होगा वो होगा युग। युग जो विषय है, मैं आजकल काफी इस पर अध्ययन कर रहा हूँ और इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। युग, हम लोग सब जानते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जब समय से लेके, जब हम लोग अगर पीछे चले आदम के सृष्टि तक, हम लोग इन इन सालों को हम लोग कुछ युगों में बांट सकते हैं। जो युग जो शब्द है उसे हम लोग इंग्लिश में डिस्पेंसिएशन कहते हैं, यानी एक कालखंड, एक समय जिसमें एक तरीके से परमेश्वर ने हमसे बोला, बातचीत किया, और उसको हम लोग एक युग कहते हैं। परमेश्वर के वचन में सबसे पहले हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या युग हैं, किस तरह के युग हैं, और उसमें क्या क्या परमेश्वर, उन युगों में परमेश्वर किस तरह काम करता है। सबसे पहले हम लोग एक वचन को लेकर पढ़ेंगे और उसका है इफिसियों 2:8। मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा, अगर आप लोग इसको डिस्प्ले कर सकते हैं तो कर सकते हैं। इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 8वां वचन। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। आमीन। तो इसमें एक शब्द आता है अनुग्रह। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, विश्वास के द्वारा
अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। इस शब्द को आप लोग समझिएगा, मैं इसको और आगे स्पष्टता से समझाने की कोशिश करूंगा। तो हम लोग सीधे चलते हैं कि क्या क्या युग बाइबल में बताया गया है। तो बाइबल में हम लोग 7 युगों को देखते हैं। कितने युग हैं? 7। 7 युगों को हम देखते हैं जो बाइबल में बतलाया गया है। और उसमें सबसे पहला जो युग है वो है निर्दोष युग या अकपट या भोलापन का युग, जिसे हम इंग्लिश में इनोसेंट डिस्पेंसेशन कहते हैं। यानी वो युग जिसमें भोलापन था या निर्दोष, उसे हम हिंदी में निर्दोष युग कहते हैं। जब परमेश्वर ने इंसान की सृष्टि की तो अपने ही समानता और स्वरूप में आदम और हव्वा की रचना की। एक बार रचना होने के बाद हम देखते हैं कि वो लोग परमेश्वर के अनुग्रह से ढके हुए थे और उन्होंने उनके अंदर भोलापन था और उनके अंदर कोई कपट नहीं था और उन लोगों ने के जीवन में किसी प्रकार का पाप भी नहीं था। तो इसे हम लोग एक निष्पाप युग भी कहते हैं। और हम लोग देखते हैं कि शाम के समय अदन की वाटिका में परमेश्वर वहां आता था और परमेश्वर उनके साथ यानी आदम और हव्वा के साथ में एक संगति रखता था। हर दिन परमेश्वर उनके साथ मिलता था। कई लोग पूछते हैं कि ये परमेश्वर ने क्यों इंसान की सृष्टि की। सो ये एक परमेश्वर का उद्देश्य था कि परमेश्वर ने इंसान को इसीलिए बनाया ताकि परमेश्वर और इंसान के बीच में एक संगति हो सके। मेरे प्रियो, पाप के कारण ये संगति जो है टूट जाती है और पाप के कारण हमारे और परमेश्वर के बीच में एक अलगाव आ जाता है, एक दूरी बन जाती है। सबसे पहला युग है निष्पाप युग जिसमें कोई इंसान में कोई पाप नहीं था। और वहां पर हम देखते हैं कि अदन की वाटिका में बहुत ज्यादा शांति था, कोई युद्ध नहीं था। परमेश्वर का यही योजना थी कि इंसान वहां पर पूरी तरह शांति प्रिय तरीके से रहे और फलवंत हो और हर प्रकार से बढ़ता जाए। और उस युग को हम लोग क्या कहते हैं, निष्पाप युग या निर्दोष युग कहते हैं। यानी आदम और हव्वा के अदन से निकाले जाने तक ये युग जाता है, मतलब उनकी सृष्टि से लेके ये निकाले जाने तक ये जो कालखंड है, समय है, उसे हम कहते हैं निर्दोष युग, डिस्पेंसिएशन ऑफ इनोसेंस। अब हम जानते हैं कि वहां पर किस तरह पाप प्रवेश करता है। अनाज्ञाकारिता के पाप के कारण हव्वा के द्वारा आदम भी पाप करता है और उसके बाद वो लोग शाम के समय जब परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आते हैं तो परमेश्वर से मिलना नहीं चाहते और उनके और परमेश्वर के बीच में एक दूरी आ जाती है। पर परमेश्वर वहां एक मेमने को काट करके उनको क्या करता है, एक वस्त्र पहना करके अदन की वाटिका में से बाहर निकाल देता है। अब उनके जीवन में पाप है। परमेश्वर ने कहा था कि अगर तुम उस फल को खाओगे तो तुम मारे जाओगे। अब हम ये देखते हैं कि वो लोग आत्मिक मृत्यु को पा करके उनके जीवन में शारीरिक मृत्यु भी आ जाती है और वो लोग दुनिया में आ जाते हैं और वो अदन की वाटिका से बाहर हो जाते हैं। तो निष्पाप युग से अब वो दूसरे युग में प्रवेश करते हैं। उस युग का नाम है विवेक युग यानी अंतर चेतना का युग। पहला युग है निर्दोष युग या अकपट का युग और दूसरा युग है अंतर चेतना या विवेक का युग। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं आदम और हव्वा को बेटे और बेटे होते हैं और उसमें हम लोग देखते हैं केन और एबल, आबेल जो है वो पैदा होते हैं और उसमें जो बड़ा बेटा रहता है केन, वो एबल को की हत्या करता है। वो अपने विवेक पे चलते हैं, वो अपने कॉन्शियस पे चल रहे हैं। वहां उनके पास कोई लिखित परमेश्वर का प्रमाण नहीं है कि किस तरह जीवन व्यतीत करना है। उनको जैसा अच्छा लग रहा है वैसा चल रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में पाप के जो वो पाप की प्रभुता के कारण, उनके ऊपर पाप का जो प्रभाव था उसके कारण वो लोग फिर से पाप करते जा रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह एबल को आजकल मैं कई बार कई चर्चों में देखता हूँ, कलीसियाओं में देखता हूँ, लोग अपने बच्चे का नाम एबल तो रखते हैं लेकिन कोई केन नहीं रखता है उसका नाम। उसके कारण यह है कि हम लोग सब जानते हैं किस तरह उसने अपने भाई को मारा था। तो उस युग को कहते हैं विवेक का युग। ये युग कहाँ तक चलता है, जहाँ परमेश्वर ने अदन की वाटिका से आदम और हव्वा को बाहर निकाला और नोआ के टाइम तक यानी नोआ के बाढ़ तक का समय को हम लोग कहते हैं विवेक का युग।
हम लोग जानते हैं कि किस तरह धरती में पूरी तरह पाप बढ़ जाता है, और परमेश्वर ने ये निर्णय लिया कि मैं धरती को पूरी प्रलय से इसे नष्ट कर दूंगा। लेकिन उसमें से एक व्यक्ति जो धर्मी था उसको चुनता है, नोआ को, और वो कहता है कि तू अपने परिवार जनों को लेकर के एक कश्ती बना और उस कश्ती में परमेश्वर के वहां पर तू जा। हम लोग देखते हैं कि हर युग में हम प्रभु यीशु मसीह का प्रकटीकरण देख पा रहे हैं। आप लोग समझ रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। पहले युग में मैंने बताया एक मेमने को परमेश्वर ने वहां पर उनका उसका बलिदान होता है या उसे मार करके उन्हें वस्त्र पहनाते हैं, वो मेमना प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप है। दूसरे में हम देखते हैं कि वहां एक कश्ती बनी, वो उस कश्ती में आकर के ये 8 लोग जो है बचाए जाते हैं। तो दूसरा युग है विवेक का युग, जो कहां से कहां तक चलता है, यानी अदन की वाटिका में से ये लोग बाहर निकल जाते हैं, और वो जब बाढ़ तक के जो युग होता है उस युग को कहते हैं विवेक का युग। और उसके बाद ये लोग उस किश्ती में चढ़ जाते हैं, बड़े से जो जहाज में चढ़ जाते हैं, और वहां पर ये 8 लोग सुरक्षित रहते हैं और साथ में जानवर भी सुरक्षित रहते हैं। और उसके बाद हम लोग उसके बाद जानते हैं कि किस तरह वर्षा होती है, और वर्षा के बाद में ये 8 लोगों का जो जीवन है फिर से आगे बढ़ता है। और उसके बाद का जो तीसरा युग है उसे हम मानव शासन या मानव हुकूमत, मतलब इंसानों की हुकूमत का युग कहते हैं, मानव शासन, उसे हम लोग इंग्लिश में ह्यूमन गवर्नेंस डिस्पेंसिएशन कहते हैं। यानी कि बाढ़ से लेके अब्राहम के बुलाए जाने तक का जो समय है, कालखंड है, उसे हम लोग मानव शासन का युग कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि उसके बाद परमेश्वर ने नोआ के साथ में एक वाचा बांधता है कि मैं अब पूरी सृष्टि को कभी पूरी तरह नष्ट नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी वो लोग वहां पर एक बहुत बड़ा मीनार बनाते हैं, टावर बनाते हैं, जिसे हम बेबीलोन का मीनार कहते हैं, और वो लोग परमेश्वर तक पहुंचना चाहते हैं। और परमेश्वर क्या करता है, उनकी भाषा में अंतर, वो एक अंतर्द्वंद पैदा कर देता है, उनमें गड़बड़ी पैदा कर देता है, और लोग अलग अलग भाषाएं बोलने लगते हैं। तो ये समय जो ह्यूमन गवर्नेंस का या मानव शासन का जो काल था, युग था, उसे हम लोग जो बाढ़ का समय है, और बाढ़ के समय से अब्राहम के बुलाए जाने तक का समय को हम लोग मानव शासन का युग कहते हैं। अब्राहम के बुलाए जाने तक के समय को हम लोग मानव शासन का युग कहते हैं। मैंने आप लोगों को अभी 3 युग बताया, पहला है निर्दोष युग, उसके बाद मैंने आपको बताया विवेक का युग, और उसके बाद मैंने आपको बताया मानव शासन का युग। और चौथा युग जो होता है वो है वायदे या प्रतिज्ञा का युग। जब अब्राहम को परमेश्वर बुलाता है और उसके बाद प्रभु यीशु उसके बाद मूसा के द्वारा जो व्यवस्था दी जाने वाले समय तक का जो समय काल है उसे हम लोग कहते हैं वायदे या प्रतिज्ञा का युग, यानी डिस्पेंसेशन ऑफ प्रॉमिस, वायदे का युग। तो इस समय में हम लोग फिर से देखते हैं कि क्या होता है कि अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और बोला कि मैं तेरे जात संतान को एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा, और उसे अनुग्रहित किया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं किस तरह इसहाक और उसके बाद याकूब होते हैं, और उसके बाद फिर ये लोग यूसुफ वहां पर का हम देखते हैं, उसके बाद वो लोग इजिप्ट में किस तरह से मिस्र देश में वो लोग गुलाम हो जाते हैं, और मूसा को उसे फिर इजिप्ट से वो लोग को बचा करके मिस्र में से लेकर जाते हैं, और उन्हें मूसा को एक पूरी व्यवस्था परमेश्वर देता है। उस समय तक का युग को हम लोग कहते हैं ये है वायदे का युग या प्रतिज्ञा का युग। अब एक बार जब मूसा को व्यवस्था मिल जाती है तो परमेश्वर उनको कहता है कि अब तुम्हें अपने विवेक पर जीवित रहने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें व्यवस्था पर चलना है। और ये व्यवस्था का जो व्यवस्था पे चलने की बात जब आती है तो इसे हम लोग कहते हैं व्यवस्था का युग, यानी ये 5वां युग है जिसे हम व्यवस्था का युग कहते हैं। और ये समय मूसा को व्यवस्था मिलती है और प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु तक का समय जो होता है ये लोग व्यवस्था को पर चलने की कोशिश करते हैं और उस व्यवस्था को पूरा करने की कोशिश करते हैं। लोगों के पास एक व्यवस्था है, एक कानून है, या उसे हम लोग पुराना नियम कहते हैं, वो उस समय मौजूद है। ये 5वां
युग है, और इस युग में हम लोग जानते हैं कि किस तरह मूसा को व्यवस्था मिलती है, और उसके बाद हम लोग बहुत सारे भविष्यवक्ता आते हैं, तब इसराइल की जनता जो है, नहीं हमें एक राजा की जरूरत है, उसके बाद सौल राजा बनता है, दाऊद राजा बनता है, उसके बाद फिर सुलेमान राजा बनते हैं, और फिर दो देश का बंटवारा हो जाता है, यहूदा और इसराइल, और फिर इसराइल में अलग राजा आते हैं, फिर यहूदा में अलग राजा आते हैं, और उस तरह का एक पूरा कालखंड चल करके प्रभु यीशु मसीह का आगमन होता है, और प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु तक का समय को जो है वो कहते हैं व्यवस्था का युग, या जहां पर, और हम लोग ये भी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं व्यवस्था को मिटाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूँ, और वो जो भी कुछ बातें व्यवस्था में लिखी गई है उनको सब वो पूरा करते हैं, और वो जो समय है यानी व्यवस्था, मूसा को व्यवस्था मिलने के बाद से लेके प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु तक का समय को हम लोग कहते हैं जो युग है उसे हम व्यवस्था का युग कहते हैं। तो मैंने अभी आप लोगों को पांच युगों के बारे में बताया, पहला है निर्दोष युग, दूसरा है विवेक का युग, तीसरा है मानव शासन का युग, चौथा है वायदे का युग, और पांचवा है व्यवस्था का युग, या जिसे हम शरिया या कानून का युग भी कहते हैं। अब जो छठवां युग है वो प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बाद का समय है, और आज तक का समय जो है उस युग को कहते हैं हम लोग कृपा युग या अनुग्रह का युग। अभी हम लोग कृपा युग में जीवित हैं या अनुग्रह के युग में जीवित हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस पर वो मारे गए तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब देखो पर्दा जो है फट चुका है, मंदिर का पर्दा बीच से फट गया, और अब जो है सामान्य लोगों को आप बाहर खड़े रहने की जरूरत नहीं, वो लोग भी जो अति पवित्र स्थान है वहां तक वो लोग प्रवेश करके परमेश्वर का नाम ले सकते हैं, और यह समय जो है पूरे जातियों के लिए उद्धार खुलने का समय हो गया, और उसके उस काल को हम लोग कहते हैं कृपा युग या अनुग्रह का युग। आज भी हम लोगों का जो युग चल रहा है वो है कृपा युग या अनुग्रह का युग। उसके बाद सातवां जो युग है छठवां युग था, अभी मैं आप लोगों को इसके बाद कृपा युग की कुछ और बातों को गहराई से बताऊंगा, लेकिन हम लोग पहले सातवें युग में चलते हैं। सातवां युग होता है जिसे हम भविष्य के युग कहते हैं, जिसमें तीन बातें होने वाले हैं, एक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन जिसे हम लोग रैप्चर कहते हैं, यानी कि हम लोगों का उठा लिया जाना बादलों पर, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह संसार में 1000 साल इस संसार में राज्य करेंगे यानी मिलेनियल रेन, और उसके बाद एक नया जो है स्वर्ग और पृथ्वी बनेगी, और हमें एक परफेक्ट इटर्नल एज यानी कि मुकम्मल जहां हम लोग प्राप्त करेंगे और परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए अनंत काल के लिए जीवन व्यतीत करेंगे। तो इससे हम लोग फ्यूचर डिस्पेंसिएशन या भविष्य का युग कहते हैं जो आने वाला समय है। तो मेरे प्रियो, मैंने अभी आप लोगों को सात युगों के बारे में बताया। अभी जो युग चल रहा है इस युग का नाम है कृपा युग या अनुग्रह का युग। तो कृपा युग की क्या विशेषताएं हैं, इनको मैं आज आप लोगों के बीच में बांटना चाहता हूं। कृपा युग में हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने उद्धार, जिस तरह अभी हमने इफिसियों उसका 2:8 में पढ़ा, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। तो मेरे प्रियो, अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो उद्धार है वो विश्वास के द्वारा ही हम प्राप्त कर सकते हैं। कृपा युग में विश्वास के द्वारा ही हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। कर्म के द्वारा हम कभी भी हम उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। तो प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे उद्धार के लिए जो भी कुछ करना था वो उन्होंने कर दिया। अब उन्होंने मुकम्मल चीजें, पूरी चीजें वो कर दिया, और उन्होंने कहा कि देखो सब कुछ पूरा हुआ। वो जब क्रूस पर थे उन्होंने कहा कि सब कुछ पूरा हुआ, अब उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक सर्व जो बलिदान है, जो सबसे बड़ा बलिदान है, सर्वपरि बलिदान है, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया, और उस बलिदान के द्वारा अब हम लोग अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, जिस तरह रोमियो उसका 10:9 में लिखा हुआ है कि अगर हम मुंह से अंगीकार करें और मन से विश्वास करें कि प्रभु मरे हुए में से जीवित हो गया है, तब हम लोग निश्चित उद्धार पाएंगे। तो कृपा युग में उद्धार
जो है वो विश्वास के द्वारा ही हम लोग पाते हैं और उसी के द्वारा हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इस कृपा युग में अगर हम लोग रोमियो उसका 3:24 अगर हम लोग पढ़ें, रोमियो 3:24 में ऐसा लिखा हुआ है, आप लोगों के लिए पढ़। हाँ सिस्टर पढ़िए। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हाँ, तो इसमें अगर हम 23 से पढ़ें, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उनके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं, यानी परंतु उसके अनुग्रह के कारण हम लोग, या कृपा के कारण हम लोग, एक हमको सबने पाप किया है और हम लोगों को सबको मृत्यु मिलनी थी, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह हम पर हुई। इस कृपा युग में अनुग्रह हम सब पर हो रही है, इसीलिए हम लोग आज उद्धार को पा सकते हैं। हमारे ऊपर किसी प्रकार की बंदिश नहीं है और हम लोग उस पा सकते हैं। लेकिन इसमें एक मुख्य बात, मैं यहाँ पर एक मुख्य बिंदु आप लोगों के बीच में जो रखना चाहता हूँ वो है स्वतंत्र इच्छा शक्ति। परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति को दिया है और इस शक्ति के अनुसार हम लोगों को स्वतंत्र इच्छा शक्ति जो है उससे हमें अपनी जो चॉइस है, यानी कि चुनाव हमारा है, हमें चुनना है कि हम क्या चुनेंगे, क्या नहीं, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को चुनते हैं तब हमारा उद्धार होगा, लेकिन अगर हम चाहें तो प्रभु यीशु मसीह को नकार सकते हैं, उस उद्धार को नकार सकते हैं। कृपा युग में सबके ऊपर कृपा हो रही है, कृपा युग में कोई भी किसी के ऊपर न्याय का व्यवस्था नहीं। इसीलिए आज हम लोग देखते हैं कि जो लोग झूठ बोल रहे हैं वो भी आगे बढ़ जा रहे हैं, क्योंकि कृपा युग चल रहा है, परमेश्वर किसी का भी न्याय नहीं कर रहा है। जैसे हम लोग, जैसे पास्टर जी ने इसके पहले बोला कि बहुत ज्यादा महामारी फैल रही है इंडिया में, आज 20,000 की 21,000 के आसपास लोग, उसका सब कारण यह है कि अभी हम कृपा युग में हैं और जो लोग बुरा कर रहे हैं उनके ऊपर भी परमेश्वर सीधा न्याय, एक दिन आने वाला है जब उनका न्याय होगा, लेकिन आज उनके ऊपर भी परमेश्वर कृपा कर रहा है और कह रहा है, उनको भी एक मौका दे रहा है। जो भी कोई पाप में है उसके ऊपर परमेश्वर की कृपा है और परमेश्वर उनको एक मौका देता है। तो हम लोग कृपा युग के बारे में देख रहे थे, उद्धार कृपा युग में विश्वास के द्वारा ही उपलब्ध है। दूसरी बात जो है, कृपा युग में सबसे बेहतर चीज ये है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा को हम सब पर उंडेला गया है। कृपा युग में परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने, हम लोग यूहन्ना के 14 अध्याय के 16 से लेके 26 तक हम लोग, आप लोग ना पढ़े, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तो जा रहा हूं लेकिन तुम्हारे लिए एक सहायक देकर जाऊंगा और ये सहायक तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे अंदर रहेगा। मेरे प्रियो, इस बात को हमें समझने की जरूरत है, कृपा युग में ही पवित्र आत्मा सब पर उंडेली गई है और कृपा युग में ही परमेश्वर की आत्मा हमारे लिए उपलब्ध है। और ये परमेश्वर की आत्मा जो जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उन पर उतरेगी और उन पर ठहरेगी और उनके अंदर होगी और उनके साथ होगी। मेरे एक कहानी मैं आप लोगों के बीच में आज बांटना चाहता हूँ जो रायपुर छत्तीसगढ़ में घटी है। एक परमेश्वर के दास हैं, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो थोड़े से अनपढ़ जैसे हैं, लेकिन बाइबल उनको कंठस्थ है, बाइबल वो सुन सुन कर पूरा याद कर लिए हैं, ज्यादा वो उनका क्वालिफिकेशन नहीं, उनको पास्टर साहू करके बोलते हैं। एक बार मसीह विरोधी लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और बोले कि इसको साहू को आज सबक सिखाना है और दूर उनको लेकर गए, कार में बिठा करके उनको दूर ले गए और दूर, बहुत दूर ले जा करके उनको वहां छोड़ दिए। साहू को एक तो झापड़ भी मार दिए और वो बेचारे पास्टर थे और उसको वहां पर छोड़ करके वहां से ये लोग गाड़ी में वापस आना चाह रहे हैं ताकि, और फिर उनको चेतावनी भी दे दी है साहू पास्टर को, बोले कि तू अब से प्रचार करेगा या तू किसी के लिए प्रार्थना करेगा हम तेरे को मार डाले। तो ये पास्टर बेचारा वहां खड़ा है, बहुत वीराना, बहुत जंगल जैसा एरिया है, बहुत दूर है, शहर से दूर आ गया है और वहां खड़े होकर के प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर।
अभी ये कृपा युग है, आप लोग इनके ऊपर भी अनुग्रह करें यदि प्रभु आपको जानने पर। तब परमेश्वर की सामर्थ्य इस पास्टर के ऊपर उतरी और जैसे ये तीन लोग जो लोग मसीह विरोधी लोग थे ये लोग आए थे, इन लोगों ने अपने गाड़ी का जो शेल्फ लगाया कार चालू करने की कोशिश की तो कार इनका स्टार्ट नहीं हो रहा। तब ये लोगों ने बोला, तीनों में से आपस में बात करके बोलने लगे कि साहू ने कुछ किया होगा इसीलिए हमारा कार जो है स्टार्ट नहीं हो रहा। तो साहू बेचारा दूर खड़ा था, तो साहू को बुलाया, इधर आओ साहू, तो क्या किया तूने गाड़ी में? तो बोले नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया गाड़ी को, मैं तो दूर खड़ा हूँ। तब उन्होंने बोला नहीं नहीं तूने कुछ किया, तू इसको ठीक कर। तो बोले मेरे को तो, मैं तो मैकेनिक नहीं हूँ, मेरे को तो कुछ आता नहीं है, जो मेरे को आता है प्रार्थना कर पाता हूँ, मैं चाहे तो आप लोग बोलोगे तो मैं गाड़ी के लिए प्रार्थना करूँ। ठीक है कुछ नहीं, तू गाड़ी के लिए प्रार्थना कर। तब साहू को बोला कि साहू ने बोला कि भाई साहू पास ने बोला अपना गाड़ी का चाबी दे दो मैं प्रार्थना करता हूँ। और उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर इन लोगों ने मुझे बहुत दूर लेके आ गए शहर से, इन लोगों ने मुझे मारा भी, लेकिन मैं इनको क्षमा करता हूँ, आप इनके गाड़ी को स्टार्ट करो दो, प्रभु आपसे मेरी ये विनती। और उसके बाद चाबी दिया और बोला कि आप, मैंने प्रार्थना कर दिया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, आप चाबी लगाओ। तो इन लोगों ने चाबी लगाया, गाड़ी स्टार्ट, जैसी गाड़ी स्टार्ट हुई और ये लोग जाने वाले थे, तब इन लोगों ने एक उनमें से बोलने लगा कि साहू को लेकर चलो नहीं तो बीच में गाड़ी फिर से बंद हो जाएगी। तो साहू को वापस उन लोग ले गए और उस साहू पास्टर को अपने घर उनके घर ले जाकर के उतार करके बोले लास्ट में कि साहू पास्टर आप लोग भाई आपको हमने मार दिया, माफी चाहते हैं, अब आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करो। तो ये मेरे प्रियो इस तरह का परमेश्वर, ये गवाही सच्ची गवाही मैं आप लोगों के बीच में बांट रहा हूँ। तो इस तरह परमेश्वर की सामर्थ्य को हम लोग आज देख रहे हैं, लोग चंगे हो रहे हैं, लोगों के जीवन में चंगाइयां हैं, लोगों का जीवन परिवर्तित हो रहा, जो नशे में से बहुत लोग निकल करके आज परमेश्वर की आराधना करने लगे हैं। आपको कई कई ऐसी घटनाएं हैं, चाहे वो इंडिया में है जब जेलों में लोग जो लोग खूंखार कैदी हैं वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह को जान करके उनका जीवन परिवर्तित हो जा रहा है, बहुत सारे लोग प्रभु को जान रहे हैं। क्यों? परमेश्वर की सामर्थ्य पवित्र आत्मा के द्वारा कृपा युग में हर जगह हम लोग उसको पाते हैं। बच्चों के जीवन में भी आज बहुत सारी बेदारी को हम लोग जानते हैं। तो ये कृपा युग जब चल रहा है तो पहली बात मैंने आपको बताया कि उद्धार विश्वास के द्वारा है और पवित्र आत्मा का कार्य आज निरंतर सब जगह चल रहा है। आज हम पवित्र आत्मा में होकर के मैं एक किसी का प्रचार सुन रहा था कि जो पुरानी जो कलीसियां हैं, मैं भी पहले जब भिलाई में था तो एक दूसरी बड़ी कलीसिया में जाया करता था, पेंटिकॉस्टल कलीसिया में नहीं जाता था मैं, दूसरी उसको एक मार्थोमा कलीसिया कहते हैं, बड़ी कलीसिया थी, बहुत बड़ी कलीसिया थी, 400-500 लोग थे। लेकिन मैंने उस कलीसिया में कभी भी किसी के जीवन में चमत्कार होते हुए नहीं देखा। तो उस कलीसिया में एक ये होता है जो वो लोग करते हैं कि वो उसको बोलते हैं आखिरी की जो रीति है, जैसे कोई आदमी मर रहा है तो वो पादरी को बुला करके वो प्रार्थना करके उसके मुंह में उसको जो है रोटी और दाखरस वगैरह देते हैं और उसके बाद फिर वो सोचते हैं कि भाई ये मर जाएगा तो ये स्वर्ग जाएगा। लेकिन मैं आजकल किसी का सुन रहा था तो वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये है ये कोई आखिरी सेवकाई नहीं है, ये तो बल्कि रोगी को प्रार्थना करने की सेवकाई। मेरे प्रियो मैं ऐसे कई लोगों को देख चुका हूँ जो लोग ये ऐसे बड़े पादरी को बुलाकर प्रार्थना तो करवाते हैं और वो उसके बाद वो कभी ठीक नहीं होते, लेकिन फिर छोटे से पास्टर जो रहते हैं उनको बुलाते हैं प्रार्थना करते हैं, वो पास्टर आकर के प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं तो लोग चंगे हो जाते हैं। तो ये चंगाई और चमत्कार जो है मैंने इन हमारी जो कलीसिया है जो पेंटिकॉस्टल कलीसिया है उनमें काफी चमत्कारों को देखा है, अपने आंखों से देखा है, लोगों के जीवनों को बदलते हुए देखा है, जो लोग गरीबी में थे उनके गरीबी को मिटते हुए देखा है, ऐसे ऐसे कई बड़े बड़े चमत्कारों को मैंने देखा। और इसीलिए आज बहुत सारे लोग पेंटिकॉस्टल कलीसियाओं में आ रहे हैं। आप लोग देखेंगे कि जो बड़ी दूसरी कलीसिया है उनमें कभी भी कोई नया विश्वासी जुड़ता नहीं है, लेकिन हमारी पेंटिकॉस्टल कलीसियाओं में हजारों लाखों की तादाद में लोग, ये सिर्फ इंडिया में नहीं हर जगह, चाहे आप यूके में ले लें, अमेरिका में ले लें, आज भी अगर कोई ग्रोइंग कलीसिया है, कोई बढ़ने वाली कलीसिया है तो वो एक पेंटिकॉस्टल कलीसिया है। उसका कारण यह है कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को उंडेला है और हमारे जो जवान है वो दर्शन देख रहे हैं, हमारे लोग जो है परमेश्वर की प्रचार कर रहे हैं इस
कृपा युग में। तो दूसरी जो बात मैं तीसरी बात जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, उद्धार सबके लिए उपलब्ध है। कृपा युग में उद्धार सबके लिए उपलब्ध है और हमें बेहिचक सबके लिए प्रार्थना करना चाहिए। अगर कोई भी वो चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो जैसे नामधारी मसीह हो, कोई भी हो, उसके लिए उद्धार उपलब्ध है। हम प्रभु का प्रचार हम सबके सबसे कर सकते हैं। एक आयत हम लोग पढ़ेंगे तीमोथियों की पत्री में, पहला तीमोथी उसका दूसरा अध्याय और उसकी अगर हम लोग चार से लेके अगर हम लोग पढ़ें, चार और पांच अगर हम लोग पढ़ें तो उसमें ऐसा लिखा है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिछवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। क्योंकि परमेश्वर जो यह चाहते यानी परमेश्वर यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। ऐसा नहीं है कि उद्धार सिर्फ किसी एक जाति को मिल गया, यहूदी जाति को, या जो लोग जो अफ्रीका में रहने वाले हैं या कोई यूके में रहने वाले, नहीं, पैसे वालों के लिए उद्धार है। आज भी हम लोग जानते हैं कि कई जगह आप जिनके पास ज्यादा पैसा है वो पास से दर्शन करते हैं, जिनके पास कम पैसा है वो दूर से दर्शन करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पैसे का कोई मोल भाव नहीं। जो पैसा वाला है, जो गरीब है, कोई भी है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे तो आपके ऊपर परमेश्वर की कृपा होगी, आप परमेश्वर से अनुग्रह पाएंगे, आपके ऊपर उद्धार होगा। क्योंकि परमेश्वर जो परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं सब पर परमेश्वर ने कृपा किया है और प्रभु यीशु मसीह ने सबके छुटकारे के लिए, एक इंसान के लिए नहीं, सबके छुटकारे के लिए अपना जान दे दिया है, ताकि हम लोग, इसीलिए हम लोग सबके लिए सबको जाकर के सुसमाचार सुनाते हैं और सबको। मैं आजकल हम लोग जानते हैं कई लोग सिख परिवार से प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, कई लोग मुसलमान परिवारों से प्रभु। मैं इस बार भिलाई छत्तीसगढ़ गया था तो एक भाई मिले थे जो मुसलमान परिवार से प्रभु यीशु मसीह को जान करके आए। उनके जीवन में शांति नहीं थी, उनके जीवन में तरक्की नहीं थी, उनके जीवन में किसी प्रकार की खुशी नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना, उद्धार पाया, उनका जीवन परिवर्तित हुआ। तो मेरे साथ अभी यहाँ पर कई कलीसिया में कई लोग जुड़े हुए, एक भाई हमारे चंदन नाम के एक भाई हैं, वो बनारस से हैं और उनका उनको भी प्रभु यीशु मसीह ने छुआ और चंगाई दिया और आज वो हमारे बीच में सेवकाई करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को जान करके वो आगे बढ़ रहे हैं। और तो कई अलग अलग जातियों से, वो विश्वकर्मा जाति से आते हैं, कई जाति से, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, कोई भी जाति के लोग हो, मेरे प्रियो, उद्धार इस युग में यानी कृपा युग में सबके लिए उपलब्ध है। और चौथी जो बात है मैं आप लोगों के बीच में जो रखना चाहता हूँ वो है पूरी मानव जाति का की समानता। अगर हम लोग पढ़ें गलातियों उसका 3:28, पाशा जी और समय कितना बचा है जरा बताएंगे क्या? जी 10 मिनट और है पाशा जी। ठीक है, ठीक। आखिरी जो बात है मैं रखना चाहता हूँ पूरी मानव जाति की समानता, गलातियों उसका 3:28। यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। मेरे प्रियो, अब देखिए पूरी मानव जाति में समानता आ गया। अभी हम लोग न्यूज में वगैरह देख रहे हैं किस तरह एक जॉर्ज फ्लॉयड करके एक आदमी जो अमेरिका में मारा गया और उसके बारे में फिर लोग कहने लगे कि जो वहां पर एक बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा है कि कालों को भी समान अधिकार मिलना चाहिए। मेरे प्रियो, मसीह ने पहले से कई वर्षों पहले, 2000 साल पहले जब बाइबल लिखा गया तब कह दिया कि अगर कोई प्रभु यीशु मसीह में है तो ना ही नर में ना नारी में। हम लोग जानते हैं कि भ्रूण हत्या हमारे भारत में बहुत ज्यादा हो रहा है और अनुपात जो है, जो रेशियो है वो अलग अलग, मतलब वो नीचे और ऊपर हो गया है, स्त्रियों का अनुपात कम हो गया है और पुरुषों का अनुपात
स्पेशली हरियाणा जैसे राज्यों में, लेकिन आप अगर वही देखेंगे जहां प्रभु का प्रचार हुआ केरला में वगैरह जगहों में, ऐसा कोई अनुपात में कोई कमी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह में लोग इस बात को समझ पा रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हर मानव जात लोगों में समानता है और हर व्यक्ति एक समान है प्रभु यीशु मसीह में, ना कोई यहूदी है, ना कोई यूनानी है, ना कोई नर है, ना कोई नारी है, ना कोई दास है, ना कोई स्वतंत्र है, हम सब एक हैं। और इंसान इंसान में अब कोई भेद नहीं है, इंसान इंसान में अब कोई दूसरा हमें अंतर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब एक हैं। इसका कारण ये है कि अभी ये कृपा युग चल रहा है मेरे प्रियो, और इसमें इस कृपा युग में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने, मैं अपना 5 मिनट में प्रचार समाप्त करना चाहता हूँ। कृपा युग में परमेश्वर ने आपको और मुझे एक साधारण विश्वासी बनकर जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं बुलाया। अब मेरी बात आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि वो चाहता है कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बनकर इस संसार में जीवन व्यतीत करें। शिष्य वो है जो प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए मार्गों पर चलकर दूसरे शिष्यों को बनाता है, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जो अंतिम आज्ञा दी उसमें कहा कि तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को ये सुसमाचार सुनाओ, और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जो विश्वास करता है उन्हें बपतिस्मा दो, क्योंकि वो और मेरे कहे हुए बातों को पर चलना सिखाओ और उन्हें भी शिष्य बनाओ। मेरे प्रियो, ये अब कृपा युग में ही हम प्रचार कर सकते हैं। भविष्य का युग एक बार आने के बाद में, जिस तरह जो नूह नबी के समय पर वो फाटक बंद कर दिया गया था, उसके बाद फाटक बंद कर दिया जाएगा, दूल्हा आकर अपने दुल्हन को लेकर चला जाएगा, उसके बाद कोई फिर दूल्हे से मिल नहीं सकता, तब तक ही हम प्रचार कर सकते हैं। हो सकता है कि आज हमारा लोग ठट्टा कर रहे हैं, नूह नबी का भी उस समय लोगों ने ठट्टा किया था, लोगों ने मजाक उड़ाया था कि ये क्या कर रहा है बूढ़ा, शायद पागल हो गया है, लेकिन मेरे प्रियो हम जानते हैं कि कृपा युग में ही हम प्रचार कर सकते हैं, और ये प्रचार का दायित्व अब आपके और मेरे कंधों पर है कि जहां भी हम रहे, जहां कहीं हम जाएं, जहां कहीं भी लोगों से हम मिले, उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं और उन्हें भी चेला बनाएं। इसे हम ग्रेट कमीशन कहते हैं, और इस ग्रेट कमीशन हम सबके कंधों पर है। मैंने 5 बातें कृपा युग में बताई। सबसे पहली बात मैंने बताई कि उद्धार विश्वास के द्वारा है और पवित्र आत्मा हम सब पर उंडेला गया है। तीसरी बात मैंने बताया, उद्धार सबके लिए है। और चौथी बात मैंने बताया, पूरी मानव जाति में एक समानता है। और पांचवी बात मैंने बताया कि कृपा युग में ही हम प्रचार कर सकते हैं और कृपा युग में ही हम लोगों को बोल सकते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह तक आओ और जुड़ो। मेरे प्रियो, इस कृपा युग में परमेश्वर ने आपको और मुझे सामर्थ्य दिया है, और इस सामर्थ्य का हमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि जहां पवित्र आत्मा हम पर उतरती है तो हम सामर्थ्य पाते हैं और हम लोग एक उसके गवाह ठहरते हैं, यरूशलेम में, समरिया में, और उसके बाद यहूदिया में, और दुनिया के छोर तक, यानी जाति जाति के लोगों तक, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे जहां कहीं भी हो। इस दौरान भी, महामारी के दौरान भी, हमें लोगों को बताना है कि अगर वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, कृपा युग में निश्चित वो उद्धार पाएंगे, और बिना इंसानों में भेदभाव किए हमें परमेश्वर का प्रचार करना है। मैं आप लोगों के लिए, मेरा समय यहाँ समाप्त होता है। मैं आप के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, विशेषकर जो लोग मुझे सुन रहे हैं। आप लोग, मैं जानता हूँ कि 101 दिन है आज जो इस तरह का मीटिंग चल रहा है, तो प्रभु आप लोगों को बहुत आज से आशीष देने पाए। बहुत लोगों का आपने प्रचार सुना है। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि परमेश्वर इन वचनों द्वारा आपके जीवन में आशीष देने पाए। इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखें कि ये कृपा युग है, लेकिन कई लोग कृपा युग का बेकार में फायदा भी उठाते हैं। लोग सोचते हैं कि हम लोग चाहे, अरे कृपा युग चल रहा है, पाप में जीवन व्यतीत करो। नहीं प्रियो, कृपा युग में हमें पवित्र आत्मा को बुझाना नहीं है,
अगर हम अगर बुझा भी सकते हैं तो हम जला भी सकते हैं। कृपा युग में हमें पवित्र आत्मा को जलवंत करना है ताकि वो हमारे अंदर काम कर सके। अगर हमारे अंदर कोई भी प्रकार की कमी है तो आज हम अपने आप को समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर हमारा शरीर जो परमेश्वर की आत्मा इसमें वास करती है, इसमें सामर्थ है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम लोग राज पदाधिकारी याजकों का समूह है, हम लोग कोई मांगने वाले साधारण लोग नहीं है, हम लोग राज पदाधिकारी याजकों का समूह है, हम लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, उसके खास लोग हैं, और हम लोगों के ऊपर ये हमारा ओहदा है, और हम लोग जो परमेश्वर से मांगेंगे इन दिनों में परमेश्वर हमें देगा। मैं आप लोगों के लिए एक बार प्रार्थना करना चाहता हूँ। परमेश्वर आइए हम सब अपने सरों को झुकाए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं, विशेषकर पास्टर सन्नी और उनके परिवार के लिए, उनकी सेवकाई के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप उनके परिवार पर बड़ी आशीष को भेजे परमेश्वर। हमने आज युगों के बारे में सीखा समझा परमेश्वर, हम जानते हैं कि एक कृपा युग चल रहा है, लेकिन एक भविष्य का युग आने वाला है जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा बादलों पर आएंगे। तब तक समय तक परमेश्वर हम आपके वचन को प्रचार करने पाए और बहुत सारे लोगों को बचाने पाए, बहुत लोग आपको जान करके आप तक आने पाए परमेश्वर। प्रभु जी हम लोगों को आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी, हमारे परमेश्वर हाथ कई बार बंधे हुए हैं प्रभु जी, कई बार हमारे अर्जुन के हाथ बंधे हुए हैं परमेश्वर, विशेषकर जिनके जीवन में पैसे की तंगी है, वो यीशु मसीह के नाम से वो पैसे की तंगी दूर होने पाए। अगर किसी के जीवन में किसी प्रकार की बीमारी है तो आज इसी रात को जब हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से वो बीमारी ठीक होने पाए। जब हम प्रार्थना करते हैं अगर किसी के जीवन में नशे की लत है, यीशु के नाम से वो नशे की लत दूर होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं अगर कोई बच्चा किसी प्रकार से, कोई बच्ची किसी प्रकार से स्कूल में पढ़ाई में कमजोर है, उसके जीवन से वो कमजोरी दूर होने पाए। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं अगर कोई किसी के रिश्ते में खटास है प्रभु जी, पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो रही है, माँ बाप के से बच्चों का पटता नहीं है प्रभु जी, वो सारी खटास यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। प्रभु जी हम इस कलीसिया को और इसके सारे जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, आज जितने लोग इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, सबको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीष देकर प्रार्थना, ये आशीष का कारण ठहरने पाए। प्रभु जी हम राज पदाधिकारी याजकों का समूह है परमेश्वर, आपके वो अति पवित्र स्थान पर आकर के आपसे हम प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी जब हम प्रार्थना करते हैं इसी समय पवित्र आत्मा का अभिषेक हर एक व्यक्ति जो सुन रहा है मेरे वचन उसके ऊपर उतरने पाए और वो सामर्थ्य को पा करके प्रभु जी, अगर कोई भी व्यक्ति अगर पाप में प्रभु जी, उसके जीवन में परमेश्वर उन कमियों को आप दूर करें प्रभु जी, और वो पाप से वो छुटकारा पाने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना और विनती को सुना, मैं प्रचार कर पाया उसके लिए धन्यवाद। आप मेरे और मेरे परिवार के साथ भी रहिए, सारी आदर और महिमा मैं आपको देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण कर आमीन। पास्टर जी बेनेडिक्शन भी आशीष के शब्द भी बोलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मुझे मौका दिया, प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष देने पाए। एक बार फिर से मैं सारी कलीसिया को, सारे लोगों को, स्पेशली पास्टर साहब को धन्यवाद देता हूँ। आइए हम लोग बेनेडिक्शन में जाएंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगत हम सबके साथ, सारे संतों सेवकों के साथ, विशेषकर पास्टर सन्नी और उनके परिवार और सारे कलीसिया के लोगों के साथ, और जो लोग आपकी सेवकाई कर रहे हैं उन सबके साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर का धन्यवाद करें, हालेलुया हालेलुया। प्रिय लोगों कल